एचएल टीवी न्यूज। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन विरोध में धरना जारी है। बिजली कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार 23 सब डिवीजन निजीकरण करने के फैसले को वापस नहीं लेती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बिजली कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन से बिजली विभाग में आने वाले उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला प्रधान धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दक्षिणी हरियाणा में 23 सब डिवीजन को प्रदेश सरकार निजी हाथों में देना चाहती है। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी मिलकर धरना दे रहे हैं। इस सम्मेलन में सरकार द्वारा 23 सब डिवीजन को निजी हाथों में देने से रोकने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। 9 तारीख को ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारी स्टेट की मीटिंग हुई थी दोनों जनों की, और इसमें ये फैसला लिया गया जो 23 सब डिवीजन हरियाणा में दे रही सरकार उनको किसी भी कीमत पर नहीं जाने, इसके लिए उसके विरोध में आज हमारा 9 से 5 मतलब जितनी भी सब डिवीजन 23 सारी धरना है, और कल यूनिट लेवल पर प्रदर्शन, और कल फिर हमारी स्टेट की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग है, अगला फैसला उसमें लिया जाएगा। डिमांड ये है जो सरकार इन सब डिवीजनों को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, हमारी ये भी किसी भी कीमत पर इन सब डिवीजनों को प्राइवेट हाथों में नहीं देने जाएंगे, क्योंकि कर्मचारी हमारा काम करता है और काम करते हुए जो मतलब फायदे की सब डिवीजन है सरकार उनको दे रही है, और इस ये हमारा फैसला ज्वाइंट एक्शन कमेटी का किसी भी कीमत पर इन सब डिवीजनों को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे, इसके लिए हमें कितनी कुर्बानी करनी पड़े उसमें पीछे नहीं हटे। 23 तारीख से यहाँ पर आया हूँ, बिजली बोर्ड में आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सर्विस वाला कोई भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लगभग 23 तारीख से मैं यहाँ पर बार बार आ रहा हूँ, मैंने बिल भी रखा है, जनता पीजी द्वार नगर 10 नंबर गली का बिल है ये, और मैंने लगभग आज 8 या 9 दिन हो गए मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को यहाँ पर कोई नहीं मिलता, हर जगह से बिल्कुल खाली मिलता है, और बाहर जो यहाँ के कर्मचारी है तो सब बाहर बैठे हुए हैं, और जब भी हम आते हैं कहते हैं अगले दिन आना, 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, जिससे हमारे को बार बार आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसका सोल्यूशन उसके तो जितना उसके निकाला जाए, ये तो बिल्कुल नजायज है, अगर स्ट्राइक करनी है तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा लगाए, ये तो सारा दिन यहीं पे बिताते हैं, जिससे हमारे को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।